सिनन ब्लॉग्स में फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं एक यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी चिकन का। तो पहले मैं हंडी में ऑयल डालूंगी। ऑयल आप कुछ भी डाल सकते हो, मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हो और वाइट ऑयल भी डाल सकते हो। तो मैं इसमें सोयाबीन ऑयल डाल रही हूँ। 4 स्पून डालूंगी मैं इसमें तेल। मेरे पास कढ़ाई में तेल डाला हुआ था तो इसी में उसी को डाल रही हूँ। इसमें मैंने प्याज फ्राई किया था तो मैं उसी में डाल रही हूँ। वही ऑयल डाल रही हूँ हंडी में। और ऑयल गर्म हो चुकी है, इसमें मैं 3 प्याज, 1-2 टमाटर और 5 ग्रीन चिली पहले इसमें मैं डाल दूँगी। बिग साइज का कट करना है, पहले मैं इसे डाल दूँगी और इसको मैं फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम में। अभी हंडी है, हाई फ्लेम नहीं करना है। और ये 1 kg से थोड़ा सा कम है चिकन। इसमें मैं सॉल्ट 1 स्पून और जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 स्पून मिक्स करके रख दूंगी। पहले मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी। सॉल्ट दे रही हूँ। तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसे मैं मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ा सा इसको सौते कर लेना है, ब्राउन नहीं करना है, सौते करना है। जैसे ही टमाटर थोड़ा सा फ्राई हो जाए और प्याज भी पिंक कलर का हो जाए तब इसे मैं निकाल लूँगी। अगर आपका गैस का फ्लेम बहुत स्लो है तो आप थोड़ा सा हाई कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए हाई करके फिर आप मीडियम कर लेना, नहीं तो ये जल जाने का डर रहता है। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करेंगे। तो अब ये देखिए, ये पिंक हो चुकी है। गैस का फ्लेम मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगी। ये पिंक हो रही है तो मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल लूँगी। एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी। प्याज का जो कच्चापन होता है टमाटर का और ग्रीन चिली का, सिर्फ हमें उसी को सही करना होता है। जैसे तो कच्चापन निकल जाए, पिंक कलर का जैसे ही हो जाता है और टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगे और ग्रीन चिली भी अपना कलर चेंज कर ले तो हम उसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल ब्राउन नहीं हुआ है, ये सौते किया है मैंने सिर्फ इसको। इस तरीके से मैं निकाल लूँगी। आपको पूरा ही निकाल लेना है, इसका अंदर कुछ भी छोड़ना नहीं है। प्याज टमाटर ग्रीन चिली ऐसा छोड़ना नहीं है। और इसे मैं निकाल लूँगी अच्छा से। निकाल के इसे आपको ठंडा कर लेना है, पंखा के नीचे में रख दीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी जल्दी।
मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है इसे मैं डाल दूँगी, इसको भी फ्राई करना है तो इसे मैं डाल दूँगी। इसको भी अच्छा से फ्राई करूँगी मीडियम में, गैस का फ्लेम को मीडियम कर देना है। और ये सारी चीज़ें मैंने निकाल लिया, इसको मैं पंखा के नीचे रख दूँगी ठंडा करने के लिए। अब इसे मैं अच्छा से फ्राई करूँगी, तब तक फ्राई करना है जब तक जिंजर गार्लिक का कलर चेंज ना हो जाए और चिकन का जो कच्चापन है वो बिल्कुल चेंज हो जाए, तब तक मैं इसे फ्राई करूँगी। मिक्स करते जाना है बार बार क्योंकि नीचे में लग जाने की डर होता है, तो लग गए तो फिर इसका टेस्ट सही नहीं आएगा, तो ऐसे करके मिक्सअप करते जाना है। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। रायता उसका साथ आप रायता बना लो, और वाइट राइस, जीरा वाला राइस, हल्दी चावल ये सब आप ले सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। पराठा हो गया, रुमाली रोटी, इसमें भी बहुत अच्छा जाता है ये सब। ये वाला चिकन आप हर किसी चीज़ का साथ ले सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। देख रहे हैं अच्छा से ये फ्राई हो रही है, तो मैं गैस का फ्लेम को अभी मीडियम कर दूँगी और फिर इसको जो मैंने फ्राई किया टमाटर ग्रीन चिली प्याज उसका मैं एक पेस्ट बनाऊँगी, मिक्सी में मैं डाल दूँगी। स्लो फ्लेम में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, इसको खूब अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें मैंने सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। अब ये जैसे ही फ्राई हो जाए तो इसमें मैं इस चीज़ को पेस्ट करके डालूँगी, और इसमें मैंने आधा कप दही डाला है। आधा कप दही देखिए इसको आपको पेस्ट करना है, तो मैं अब इसको पेस्ट करूंगी फिर आपको दिखाती हूँ। A few moments later, पेस्ट मैंने कर लिया है, ये देखिए ऐसा लगेगा पेस्ट। दही डाला है इसमें मैंने, तो इस टाइप का दिखता है ये। चिकन को भी मैंने अच्छा से फ्राई कर लिया है, चिकन भी 5 मिनट से मैंने इसे अच्छा से फ्राई किया है मीडियम टू स्लो में। चिकन फ्राई हो चुकी है, अब इसमें मैं मसाला डालूंगी जो मैंने अभी पेस्ट किया है। इस मसाले को मैं पूरा डाल दूंगी इसमें, मैं अच्छा से मिक्स करूंगी। गैस का फ्लेम को मैं हाई कर दूंगी अभी करके इसको मैं मिक्स करूंगी अच्छा से। कलर कितना बढ़िया लग रहा है, हालांकि मैंने इसमें अभी तक कोई मसाला नहीं दिया है, फिर भी बहुत अच्छा सा खुशबू भी निकल रही है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैं मसाला डालूंगी, अच्छा से मैंने मिक्स कर दिया है। चिली पाउडर मैं 1 स्पून डालूंगी,
आप लोग अपने हिसाब से डालें। जीरा, भुनी हुई जीरा पाउडर 1 स्पून, धनिया पाउडर भी 1 स्पून ही है, और इसमें मैं साबुत गोल मिर्च 5-6 डाल दूंगी। फिर इसको मैं अच्छा से मिक्स करूंगी। मिक्स करने का टाइम गैस का फ्लेम को मैं मीडियम टू स्लो कर दूंगी। हाई फ्लेम में अगर मैं मसाला भूनूंगी तो फिर ये जल जाएगा नीचे से। और ये स्टील का हंडी है तो थोड़ा बहुत चिपक जाएगा। इस तरीके से अच्छे से पहले मैं इसे मिक्स कर लूँगी और सॉल्ट भी मैं टेस्ट कर लूँगी। अगर ज़रूरत हुआ तो इसी टाइम में सॉल्ट भी डालूँगी। सॉल्ट देना है, थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे। आप लोग अपना हिसाब से सॉल्ट भी डालें। कलर इसका बहुत बढ़िया आया है, ऐसे लग रहा कि इसमें काजू डाला हुआ है, लेकिन इसमें काजू मैंने नहीं दिया है, कुछ भी नहीं है इसमें, दही है। थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट है इसमें, इसलिए और अच्छा लग रहा है। आप लोग इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं कलर के लिए। अब अच्छा से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही इसे मिक्सअप हो जाए अच्छा से, फिर मैं इसमें पानी डालूँगी और इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला पाउडर का जार है, इसमें मैं हमेशा बना के रखती हूँ, तो इसमें मैं 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल दूँगी। इतना प्यारा खुशबू निकल रही है इससे, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे से मैंने इसे भून लिया है। अब इसमें मैं पानी डालूंगी। मिक्सी में जो जिसमें मैंने पेस्ट किया था उसी में मैं पानी डाल दूंगी। मिक्सी में जिसमें मैंने मसाला पेस्ट किया था उसी मिक्सी में मैंने 1 कप भर के, बड़ा वाला कप जो होता है वो कप भर के पानी डाल के मैंने इसे ऐसे करके घुमा ले रही हूँ। और फिर यही वाला पानी इसमें डाल दूँगी। तो मैंने इसे पानी डाल दिया है। ये बिल्कुल तरी वाला नहीं होता है कि एकदम पानी पानी ढीला ढीला सा, वो चीज़ नहीं होगा, थोड़ा सा थिक वाला ये खाने में अच्छा लगता है। ऐसे मैं अच्छा से चारों तरफ से समेट के बीच में कर दूंगी जो भी मसाला लगा हुआ है। एक्स्ट्रा करके इसमें इलायची दालचीनी ये सब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, एक्स्ट्रा कुछ भी अब मैं नहीं डालूंगी इसमें। और इस टाइम मैं इसे लीड लगा दूंगी ताकि अच्छा से ये बॉयल हो जाए
और फिर मैं मीडियम में कर दूंगी चिकन सॉफ्ट होने के लिए। फिलहाल मैं इसे ग्रेट कर दूंगी। अब मैं चेक करके देखती हूँ, 5 मिनट हो चुकी है। अब मैं हंडी ओपन कर रही हूँ। इसको मैं पहले हिला के देखूंगी, नीचे बैठ तो नहीं गया है। हिलाऊंगी इस तरीके से, और मैंने इसे इस तरीके से हिला दिया है, नीचे नहीं बैठा है, बिल्कुल सही है। कलर बहुत अच्छा आया है और ये टेंडर हो चुकी है, बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। इतना सा ग्रेवी इसमें रहना चाहिए। तो ये रेडी है। आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फुल वीडियो वॉच करें। कमेंट्स में ज़रूर लिख के आप लोग को किस टाइप का और वीडियो चाहिए, तो मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करूंगी। और ये देखिए कुकर सीटी बजाया जा रहा है। इसमें मैं कलकत्ता वाला घुगनी बना रही हूँ, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो चिकन रेडी है, आप लोग इसे बनाकर एंजॉय करें। अब मैं गैस का फ्लेम को बंद कर दूंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।